हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कल आयोग पर एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर धरना था। एसएसटी और हिंदी का जो रिजल्ट नहीं आया है, रुक गया है रिजल्ट, उसको लेकर मतलब धरना था रिजल्ट निकलवाने के लिए, और साथ ही ज्वाइनिंग को लेकर भी कि मतलब सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाए तो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो इसी सब के संबंध में चेयरमैन साहब से बात करना चाह रहे थे प्रतियोगी, लेकिन नहीं हो पाई थी बात कल। और फिर कल ये जो है कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने वहाँ से मतलब धरने में जो गए प्रतियोगियों को हटाया था कि हम कल जो है चेयरमैन साहब से आपकी वार्ता करा देंगे। लेकिन और इसी को लेकर ये भी हुआ था कि आज जो है धरना होगा वहाँ, और आज ही चेयरमैन साहब भी मिलेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि जो है आज धरना नहीं हो रहा है। विक्की खान जी ने अपना एक संदेश छोड़ा है, जो कि प्रतियोगी मोर्चा के संचालक हैं, संयोजक हैं, तो उन्होंने कहा है कि मतलब कुछ वजह से धरना आज नहीं होगा 27 सितंबर को। आज इस वो 27 नवंबर को इसलिए धरना होना था कि कल तो मिले नहीं थे चेयरमैन साहब, तो आज मिलेंगे, आज बात रखेंगे और आज ही हम अपने रिजल्ट को लेकर अपनी मांगे रखेंगे वहाँ, लेकिन आज धरना नहीं होना है। उन्होंने ये मैसेज छोड़ा है, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ वजह से जो है धरना स्थगित करना पड़ रहा है, कुछ अधिकारियों से बात करने पर उनकी बात हुई होगी, तो इस तरीके से उन्होंने लिखा है, एक बार चेयरमैन साहब से वार्ता करना चाहिए, क्योंकि शाम को एसपी सिटी साहब और सीओ साहब के यहाँ मोर्चा के पदाधिकारियों की मीटिंग में पुष्कर श्रीवास्तव जी से फोनिक वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि आप लोगों को एक बार चेयरमैन साहब से वार्ता करनी चाहिए, वार्ता में समस्याओं का समाधान हो सकता है। मतलब इन लोगों ने कहा प्रतियोगी मोर्चा से कि आपका पहले सिंपली आप बात कीजिए, धरना ना देकर डायरेक्ट बात कीजिए, यानी कि चेयरमैन साहब से वार्ता करनी चाहिए, वार्ता से समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नाम रात में हम लोगों ने ग्रुप में डाले थे, ये विक्की खान जी ने लिखा है। उनके अलावा बाकी प्रतियोगी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आज जो है संख्या बल नहीं दिखाना है, आज संख्या बल नहीं दिखाना है, मतलब आज धरना नहीं देना है, आज बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है, एक बार चेयरमैन साहब से मिलकर उनके अंदर की बातों को जानना है, संख्या बल तो हम फिर कभी भी दिखा सकते हैं। मतलब उनका कहना है पहले हम अंदर से मैटर पहले समझ लें, बात कर लें, अगर उनकी बात से लगेगा कि मतलब रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा तो अच्छी बात है, तो धरना नहीं देना होगा, अगर नहीं बात से जो हमारा मतलब कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तब आंदोलन फिर बाद में किया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा है संख्या बल तो हम फिर भी कभी दिखा सकते हैं, तो इसलिए आप सभी प्रतियोगी भाई आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने नेतृत्व पर भरोसा रखिए। एलडी को बचाने की कवायद में जिस तरह से मैंने प्रयास किया है, विक्की खान जी का कहना है कि जिस तरह से मैंने प्रयास किया है, ये तो बात सही है, उनके प्रयास तो हुआ है, बहुत प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत की है और उन्हीं की वजह से ये रिजल्ट आ सका है, वरना अभी नहीं आता और पता नहीं कितना लटका रहता। ये सब लोग जानते हैं कि आज 13 विषयों का रिजल्ट आ चुका है और बिना खाए बिना पिए पूरी मेहनत से, जबकि मेरा नहीं होना है, फिर भी मैं आप लोगों के रिजल्ट के लिए लगातार परेशान हूँ। हम दुआ करते हैं सर आपका भी हो सिलेक्शन। देखिए क्या होता है, कुछ नहीं पता, और प्रयास कर रहा हूँ, सफलता मिल रही है, तो मेरा ये मानना है कि लेन वाली वह सिद्धांत की 3 कदम आगे बढ़कर और 1 कदम पीछे हटने से भी आप 2 कदम आगे ही रहते हैं। इसलिए आज सभी प्रतियोगी भाई आज जो लोक सेवा आयोग ना पहुँचे, आज चेयरमैन साहब से वार्ता होगी, जैसे कि 10 बजे तो धरना होना ही था तो नहीं पहुँचा कोई, ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी है, मैं वीडियो में अपडेट कर रही हूँ सिर्फ आपको, तो आज धरना तो नहीं हुआ है। तो वार्ता के बाद आगे की सारी चीज़ें आपको अपडेट की जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मोर्चा संयोजक विक्की खान। तो इस तरीके से उन्होंने इसमें लिखा है, आप लोगों ने शायद पढ़ भी लिया होगा, और जिसने नहीं पढ़ा हो तो आप लोग इस बार इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जैसे लग रहा है कि अब बात
करने से क्या हमारा जो मैटर है सुलझ पाएगा? तो हो सकता है कि चेयरमैन साहब जो हैं बहुत अच्छे से बात, अगर ठीक से बात हो जाए तो ऐसे ही मैटर सुलझ जाए, एसएसटी और हिंदी का रिजल्ट आ जाए, कुछ तो बात आगे निकलेगी, कुछ तो क्लियर मतलब कुछ तो क्लियर होगा। जिस तरीके से हम लोग अभी अंधकार में रह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल धरना नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग जो भी हैं मेन मेन लोग वहाँ जाएंगे और चेयरमैन साहब से बात करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और हाँ, आज 69,000 भर्ती की भी मतलब डेट है, आज सुनवाई होनी है, कल भी सुनवाई हुई थी, कुछ पॉजिटिव संकेत भी मिल रहे हैं। देखिए भर्ती जल्दी पूरे होने के चांसेस हैं, जहाँ तक है हमको लगता है ये भर्ती जो है मतलब जो ऑर्डर है दिसंबर में रिज़र्व हो ही जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। विंटर वेकेशन से पहले अगर ये सब हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना तो लग रहा है कि फिर छुट्टियों का असर पड़ेगा और फिर केस लंबा जा सकता है। तो आज भी सुनवाई है। और हाँ, एक चीज़ और है कि अपना केस जो एडिशनल जो लिस्ट में शामिल हो गया है, तो आज की सुनवाई के बाद जो है अपना केस एडिशनल की लिस्ट में आ जाएगा। टीम सर्वेस की तरफ से ये संदेश है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो केस की सुनवाई रेगुलर तरीके से हो सकेगी। और देखिए आज क्या होता है, 3:15 बजे सुनवाई है, और पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा ही होने के संकेत मिल रहे हैं, अच्छा ही हो। हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेज हैं, दोनों जो भर्ती हैं एलटी वाली और ये भर्ती दोनों पूरी हो जाएं, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, काफ़ी लोगों को परेशानी से निजात मिल जाएगी और सबको मंजिल मिल जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।